हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम घर पे टूटी फ्रूटी बनाएंगे। तो समर के सीजन में वाटरमेलन सभी खाते हैं, लेकिन उसका जो छिलका होता है उसको हम फेंक देते हैं। वो खाने में काफ़ी हेल्दी होता है। आज हम उसी छिलके को यूज़ करके घर पे टूटी फ्रूटी बनाने जा रहे हैं, जिसको कि आप केक में भी डाल सकते हैं, या फिर आप उसको आइसक्रीम में भी डालकर सर्व कर सकते हैं। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए हम टूटी फ्रूटी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे वाटरमेलन के कुछ इस तरह से छिलके लिए हैं, जिससे हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले जो वाटरमेलन के छिलके का ग्रीन वाला पार्ट है उसको इस तरह से निकाल कर हम अकेला वाइट वाला पोर्शन ही इसका यूज़ करेंगे। तो इन सभी के इस तरह से हम ग्रीन वाला पोर्शन निकाल देंगे। और अब यहाँ पे मैंने इनका ग्रीन वाला पार्ट निकाल दिया है, तो अब हम इसको इस तरह से काटेंगे। पहले इस तरह से लंबे आकार में, जैसे टूटी फ्रूटी की शेप होती है, हम उस हिसाब से इसको बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लेंगे। और फिर इधर से छोटे छोटे पार्ट्स में इसको काट कर हम सभी को ऐसे तैयार कर लेंगे। वाटरमेलन के छिलके को मैंने इस तरह से सभी को क्यूब्स में काट लिया है। और इनकी जो क्वांटिटी है, यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप से मेजर किया था, तो ये काटने के बाद 1.5 कप के करीब है। और यहाँ पे मैं जो पूरा वाटरमेलन के छिलके है वो 1.5 कप के करीब यूज़ कर रही हूँ टूटी फ्रूटी बनाने के लिए। एक बड़े बर्तन में यहाँ पर मैंने मीडियम से हाई हीट पर पानी को हीट होने के लिए रखा हुआ है। पानी को अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे ऊपर से कवर कर कर। जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो उसमें हमने जो वाटरमेलन के छिलके को काट के रखा था इस तरह से, उनको डाल देंगे और 10 मिनट्स के लिए इनको बॉयल करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हीट को मैंने बंद कर दिया है। ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। बॉयल हम इसीलिए करेंगे ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, स्ट्रेनर की हेल्प से इससे हम सारा पानी निकाल देंगे और इनको ऐसे नीचे बर्तन रखकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से पानी निकल जाए। अब हम सिरप तैयार करेंगे। तो मैंने कढ़ाई ली है, जैसे हमने 1.5 कप के करीब वाटरमेलन के छिलके को काट कर लिया था, तो 3/4 कप हम उसमें चीनी ऐड करेंगे, उससे आधी चीनी डालेंगे। और 1/4 कप के करीब यहाँ पर मैं नाप कर पानी यूज़ कर रही हूँ जो हम इसमें यूज़ करेंगे सिरप बनाने के लिए। ध्यान रहे कि 3/4 कप के करीब चीनी ली है और 1/4 कप हम इसमें पानी डालेंगे। और यहाँ पे हीट को मैं मीडियम से हाई पर ऑन कर दूंगी और चीनी को अच्छी तरह से घुलने देंगे। जब चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाए तो अब हम इसमें बॉयल किए हुए वाटरमेलन के जो छिलका डाल देंगे। और इनको भी हम अब इस सिरप में 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही बॉयल कर लेंगे। अब हमें इसको ऊपर से कवर नहीं करना, बिना कवर के ही ऐसे सिरप में इनको पकने देंगे। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, सिरप अच्छी तरह से इनके अंदर चला गया है। तो यहाँ पे मैंने हीट को बंद कर दिया है और इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे। ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे रखा था थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो अब हम अपनी मनपसंद का इसमें फूड कलर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कलर लिए हैं, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। आप कोई भी ब्रांड का फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इनको 3 अलग अलग बाउल में इक्वल क्वांटिटी में डाल के रखा हुआ है। पहले मैं यहाँ पे चुटकी भर रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। रेड कलर डालकर इनको मिला देंगे। आपके पास अगर लिक्विड कलर है या ड्राई कलर है, कोई भी कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट मैं यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, चुटकी भर वो भी डाल देंगे। मिला दें इसको अच्छी तरह से ग्रीन कलर को। इसके साथ ही हम ऑरेंज कलर यूज करेंगे, वो भी चुटकी भर डाल देंगे। इसको भी मिला दें। कलर डालने के बाद अब हम इनको 10 घंटे के लिए कवर कर ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि इनके अंदर अच्छी तरह से कलर चला जाए। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें जैसे मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर
कोई भी फ्लेवर या फिर रोज़ वाटर कुछ भी आप इनको फ्लेवर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको बिना फ्लेवर के बना रही हूँ, लेकिन अगर आप इनको फ्लेवर देंगे तो इसका खाने में टेस्ट और भी अच्छा आएगा। जो फ्लेवर आप चाहते हैं उसका ही वही टेस्ट आपको मिलेगा इससे टूटी फ्रूटी से। तो अब हम इसको 10 घंटे के लिए ऐसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। 10 घंटे के बाद हम इनको दोबारा चेक करेंगे। अब देखिए 10 घंटे हो चुके हैं, इनमें बहुत अच्छा कलर आ गया है जो हमने टूटी फ्रूटी बनाकर तैयार किया। आप देखिए दिखने में बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छा कलर आया, सेम जो मार्केट में टूटी फ्रूटी मिलती है ऐसा ही। तो अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया है जिससे हम इनमें से सारा एक्स्ट्रा जो कलर है वो सारा सिरप निकाल देंगे। तो इसको ऐसे स्ट्रेनर में डाल देंगे और इसके नीचे मैंने एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें जो सारा एक्स्ट्रा सिरप है वो नीचे बर्तन में चला जाएगा। और इसको 1 घंटे के लिए अभी हम थोड़ा रेस्ट पे छोड़ेंगे जिससे इनमें से एक्स्ट्रा सिरप सारा निकल जाए और थोड़े से ड्राई हो जाए। और इसके साथ ही जो बाकी का सिरप बाकी बच गया है इसको आप किसी भी शरबत में यूज़ कर सकते हैं। तो 1 घंटा हो गया है, अब देखिए टूटी फ्रूटी काफ़ी ड्राई हो गई है। तो इसको अब हम मिला देंगे और एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसको आप कई दिनों के लिए फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और टाइम आने पर आप केक में यूज़ करें, आइसक्रीम में यूज़ करें, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वीट और टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।